अरबों खरबों का खर्च, लाखों लोगों की शिरकत और महीनों की मेहनत, आखिर क्या साबित करना चाहता है चीन? जानकारों की राय में इस तमाम तामझाम के पीछे ड्रैगन का एक ही मकसद है, दुनिया को ये एहसास कराना कि बात चाहे मिसाइल पावर की हो या फिर मनी पावर की, चीन किसी भी मामले में महाशक्ति जैसा ही रुतबा रखता है। मैन पावर, मिसाइल पावर, मनी पावर, चीन कर रहा है सुपर पावर होने की नुमाइश। बीजिंग में चीन की चकाचौंध देखने के लिए सिर्फ 30,000 मेहमानों को न्योता मिला है, लेकिन चीन ने अपनी चमक दमक पूरी दुनिया को दिखाने का इंतजाम कर लिया है। बीजिंग में चीन की नेशनल डे परेड का दुनिया भर में सीधा प्रसारण होगा और लोग चीनी भाषा के अलावा अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी में भी सुनेंगे 60 साल में चीन की तरक्की का लेखा जोखा। चीन अपने नेशनल डे परेड को इंटरनेशनल क्यों बना रहा है, ये बात भी छिपी नहीं है। दरअसल दुनिया उसी को महाशक्ति मानती है जिसके पास मिसाइल पावर और मनी पावर हो। दुनिया की महाशक्ति बनने के लिए बेताब चीन अपने नेशनल डे के बहाने अपनी मिसाइल पावर के साथ साथ मनी पावर की भी जमकर नुमाइश करने जा रहा है। महाशक्ति होने का नुमाइश के लिए बेकरार नेशनल डे परेड की तैयारियों पर ये थी हमारी खास पेशकश।